हेलो। हाँ डिंटू जी, आप क्या कर रहे हो? पेपर पढ़ रहा था। अच्छा, वो सेमिनार एमपीएस पढ़ा क्या? अच्छा, हाँ वही पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते रू का कितनी विभत्स तरीके से देख किया है। ऐसे लोगों को तो फांसी होनी चाहिए। फांसी नहीं, ऐसे लोगों के अंदर तो हमें डर पैदा करना चाहिए। मतलब मतलब कुछ नहीं, तू मुझे सिर्फ पिस्टल का अरेंज करा दो। हाँ क्या क्या मतलब है तुम्हारा? सही सुना डिंडोचिया, इन दरिंदों को तो बुरी मौत मारना जरूरी है, ताकि आगे से ऐसा गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे। पागल हो गए हो क्या? कानून है, पुलिस है, इन्हें अपना काम करने दो। पुलिस कानून डिंडोचिया, अपोजिशन वाले और ह्यूमन राइट्स वाले इन लोगों को बचाते फिरेंगे, और अगर इनको सजा मिली भी तो 10 साल के बाद, तब तक मैं वेट नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, एक लोडेड पिस्तौल। पर सभी जेल में हैं। जेल में घुस के मारेंगे, साथ दोगे डिंडोचिया मेरा? माना मैं 2 नंबर का धंधा करता हूँ, लेकिन ये जानवर लेना अपना अपने बस की बात नहीं। ठीक है, बस मुझे तुम इतना बताओ कि पिस्तौल मुझे कब तक मिल जाएगी? मंगलवार मंगलवार को तुम हनुमान मंदिर के पीछे आओ, लेकिन हाँ आने से पहले मुझे एक बार फोन कर देना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो कल्पेश भाई? सब खैरियत तो है? बस सब खैरियत। और बताओ कैसे याद किया? सबीना की न्यूज़ देखकर मेरा भी दिल दहल गया। सच बताऊं, उन लोंडों को उड़ाने का प्लान तो मैं भी कर रहा हूं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे इस प्लान में मैं भी शामिल हो सकता हूं। हाँ लेकिन तुम मेरा साथ क्यों देना चाहते? ये कुत्ते के बीच हमारी कौम को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा डिंडोचिया का कॉल आ रहा है। अच्छा, राहुल डिंडोचिया आया फोन पे? जरा मेरी भी बात करवाओ ना कल्पेश भाई, उनको कॉन्फ्रेंस में लो ना। हाँ बोलो डिंडोचिया। अच्छा मुस्तकिम भी लाइन पे है। तुम्हारे और मुस्तकिम से बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अच्छे काम में मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये हुई ना मर्दों वाली बात, अब उन कुत्तों को दोजख में भेजने से कोई नहीं बच सकता। सही है डिंडोचिया, तेरा है दुरुस्त है, बस एक बार पिस्तौल का अरेंज करा दो, बाकी प्लान रेडी है। क्या प्लान है? प्लान में ये है कि हम 4 लोग, यानी कि मैं, तुम, मुस्तकीम, ड्राइवर के साथ एम्बुलेंस लेके पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रहेंगे, और उसी टाइम पे एक चाय वाला चाय लेके पुलिस स्टेशन के अंदर जाएगा। ड्राइवर और चाय वाला कौन है? मैं उन दोनों को भी कॉन्फ्रेंस कर लेता हूँ। ठीक है, हो जाएगा। टेंशन मत लेना साहब, गाड़ी में लेके आऊंगा। बस ड्यूटी पर रहा था कि आपके फोन आ गया। पुलिस स्टेशन हम चाय लेके तो चले जाएंगे, फिर आगे एक लड़की है जो उनकी रिश्तेदार बन के जेल के अंदर जाएगी पीने के। अरे लेकिन लड़की कहाँ है अपने ग्रुप में? हाँ अभी तक कोई ऐसी लड़की मिली नहीं है जिसे मैं अपने इस प्लान का हिस्सा बना सकूं। हाँ एक लड़की है मेरी नजर में। अच्छा बात करो। मैं बात करता हूँ उससे। जी कौन सब पर शबीना के नाम का डीपी या कैंडल मैच करने से क्या फायदा? शबीना को इंसाफ तो रेपिस की मौत से ही मिलेगा। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मुझे इस नेक काम में साथ जोड़ा। हाँ मधु, तुम उनकी रिश्तेदार बनकर
उन कुत्तों से मिलने जेल के अंदर जाओगी, वो भी बुरखे में। और हाँ, टिफिन लेके जाओगी जिसके अंदर सेवैया होगा। और हाँ, जरा संभल के जाना। अच्छा मुस्तकिम, रस्सी और क्लोरोफॉर्म का इंतजाम तुम करो, पक्का ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो इस मिशन का मैं नाम देता हूँ मिशन कॉकरोच। सही नाम रखा है, कॉकरोच। तो ठीक है, मिलते हैं फिर हनुमान मंदिर के पीछे सुबह 7। हाँ ठीक है, पक्का। ओके डन। ठीक है, अच्छा। लगता है बेस की गंदगी साफ करने का समय आ गया।